जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, लगता है इस बार अपने घोंसले की मरम्मत करवानी होगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है, क्या करूं? जब भी बारिश होती है मेरा मन डर से भर जाता है। टुनटुनी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी से करवा लूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर ठीक करा सकूँ। चिंता मत करिए जी, ज्यादा चिंता करने से तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, दो वक्त की रोटी भी अच्छे से मिल जाए वही बहुत है। घर ठीक करवाने के लिए तो पैसे चाहिए और वो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर की कृपा होगी तो जल्द ही हम लोग भी अपने मकान की मरम्मत करा लेंगे। वो लोग रोज अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करने की बातें करते रहते थे, लेकिन वो इतने पैसे जुटा नहीं पा रहे थे जिससे वो अपने घोंसले की मरम्मत करा सके। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोए जा रही है। देखो जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। टुनटुनी, डरो मत, जरूरी सामान बांध लो और चलो बारिश रुकने तक भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा, यहाँ रहने से तो अच्छा है। बेटी उठ, चल ताऊ जी के यहाँ चलते हैं। टुन्नू अपने बड़े भाई बंटी कबूतर के घर पहुँचता है और दरवाजा पीटने लगता है। भैया जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। इतनी रात गए, कौन आ गया कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों बार बार दरवाजा पीटे जा रहे हो, तोड़ दोगे क्या? अरे टुन्नू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? और ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है, डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर ना जाए, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। ये क्या कह रहे हो टुन्नू? अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चली तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता, जाओ कहीं और आसरा ढूंढ लो। भैया आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो हमारे अपने हैं, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दीजिए भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है, हमें अपना ही भाई आसरा नहीं दे रहा है, भगवान जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई। वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक धनवान कौवा निराश होकर खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या बताऊँ, मेरी हवाई मोटर कीचड़ में धस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आसरा मिल जाता तो मैं कल इसे अपने नौकर को बुलाकर ठीक करा लूँगा। अगर ऐसी बात है साहब तो मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है, अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। अरे बहन, आप कैसी बातें करती हैं? घर टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में आसरा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। ये कहकर फिर वो सभी टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ एक रात टुनटुनी के घर गुजारता है और अगले दिन जाते समय वो कौवा टुन्नू को अपना कार्ड देता है। ये लो मेरा कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपको वहाँ पर मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं, जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ पर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। टुन्नू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और एक दो दिन के अंदर ही टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री जाता है। टुन्नू ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी, फैक्ट्री के पास के पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बनवा दिया है, तुम आज से वहीं रहोगे और हाँ, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। ये खबर जब टुनटुनी को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते है। एक बहुत बड़े जंगल में
सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौए का भी परिवार रहा करता था। कड़कनाथ कौए का एक बेटा था कालू कौआ। वो बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सारे पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। एक बार की बात है, बहुत दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से बातें कर रही थी। बंटी, बड़े दिनों बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हाँ टुनटुनी, तू ठीक कह रही है। और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सकें और सबका आदर सत्कार करें। हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो कभी भी कालू कौए से दोस्ती ना करे। आपने देखा है ना, कालू कौआ सभी पक्षियों को कैसे परेशान करता रहता है। वो दोनों अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता किया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी भोजन की तलाश में जा रहा था, तब टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है। भूरी बेटी, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौआ तुमसे खेलने को कहेगा तो तुम उसके साथ मत खेलना। ठीक है माँ, मैं घोंसले में रहकर आपका इंतजार करूंगी और किसी के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊंगी। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर चले जाते हैं। उनके जाने की थोड़ी देर बाद कालू कौआ वहां आता है। भूरी, अरे ओ भूरी, ये ले, मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ, जरा खाकर तो देख, ये कितने स्वादिष्ट हैं। तब भूरी कहती है। कालू कौआ भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मूंगफली नहीं खाऊंगी, मेरी माँ ने मुझे तुमसे बात करने को मना किया है। ये सुनकर कालू कौए को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके भूरी से ग्लास पानी मांगता है। भूरी संस्कारी चिड़िया थी, वो कालू कौए को ठंडा पानी पीने को देती है। पानी पीकर कालू कौआ भूरी की खूब पिटाई करता है और कहता है। अपनी माँ को बता देना कि तेरी ये हालत मैंने की है, तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। भूरी दर्द से कराह रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर घर आते हैं, तो अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाते हैं। भूरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब टुनटुनी गुस्से में कालू कौए के घर जाती है। उस समय कालू कौए का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। कड़कनाथ भैया, आपके बेटे ने मेरी बेटी को मार मार कर अधमरा कर दिया है, अपने बेटे को संभालो, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। टुनटुनी की आवाज़ सुनकर सुंदरी कौवी घोंसले से बाहर निकलती है। टुनटुनी चिड़िया, जब से तुम माँ बनी हो तुम बहुत घमंडी हो गई हो, मेरा बेटा तुम्हारी आँखों में चुभने लगा है। ये देखो, मेरा बेटा बैठ कर पढ़ाई कर रहा है, कल उसका इम्तिहान है, तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, अब जाओ यहाँ से। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटे की शिकायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घटना के कुछ दिनों तक कालू कौआ शांत रहता है। एक दिन जब वो खेलने जा रहा था, तो वो देखता है कि जिगरबाज का बच्चा अपने घोंसले में अकेला था। कालू कौआ उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जब इस बात का पता जिगरबाज को चलता है, तब वो अपने साथियों के साथ मिलकर कालू कौए के घर पर धावा बोल देता है। इस हमले में कालू कौआ और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कालू कौए के बुरे कर्मों का फल उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये अफसाना सुंदरवन जंगल का है। टुनटुनी और बंटी कबूतर की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन आज भी टुनटुनी अपनी शोहर से आंख मिलाने से खौफ खाती थी। अरे टुनटुनी, मेरी चाय कहाँ है? टुनटुनी को बंटी कबूतर से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ाहट में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने बंटी कबूतर को चाय देते वक्त चाय का कप बंटी कबूतर पे गिरा दिया। अरे जला दिया, ऐ भगवान, कैसी बीवी दी है तुमने मुझे, एक भी काम ये चिड़िया कायदे से नहीं करती। मुझसे गलती हो गई,
मैं अभी साफ कर देती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। टुनटुनी कितनी भी इल्तिजा करे लेकिन बंटी कबूतर को उसकी दरख्वास्त सुनाई ही नहीं देती। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए भी टुनटुनी को मारा करता था। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। टुनटुनी बेचारी रोक कर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। टुनटुनी की पड़ोसन हरी काकी अक्सर उसके घर आती थी। लगता है बहन आज भी तुझे तेरे शौहर ने पीटा है। नहीं बहन, मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने की वजह से कोई इतना मारता है? मुंह तो देख तेरा पूरा सूज गया है, तू छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ूं? इनके सिवा और मेरा है ही कौन? 2 साल की थी, मेरे वालदिन के इंतकाल हो गया। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? तेरे हाथ पैर सलामत हैं, कुछ ना कुछ कमाकर तेरा गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन तू इसे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। तू अमीर पक्षियों के घर में काम कर लेना। नहीं बाजी, मेरी अम्मा ने कहा था तेरे शौहर के घर से सिर्फ तेरा जनाजा निकलना चाहिए, वरना जंगल के पक्षी क्या कहेंगे। टुनटुनी की पड़ोसन ने उसे कई मर्तबा समझाया लेकिन टुनटुनी है कि उसकी सुनती ही नहीं। टुनटुनी भी सर झुकाकर उड़ा करती थी, मानो उसका खुद पर से एतबार ही उड़ गया था। कुछ महीने बाद बंटी कबूतर टुनटुनी को अस्पताल ले गया। उस डॉक्टर ने टुनटुनी की जाँच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्दी वालिद बनने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहतरमा लड़का है या लड़की वो? मैं कैसे बता सकती हूँ? तो ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है? मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मेरा जानना बेहद जरूरी है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये सब कानून के खिलाफ है, लेकिन आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 10,000 देने को राजी हूँ। टुनटुनी घर आई तो परेशान थी, अगर उसके पेट में बेटी हुई तो बंटी कबूतर उसके साथ क्या करेगा। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर की प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा कुछ जांच की। इनके पेट में बेटी है। मुझे लगा ही था ये मुझे वारिस नहीं दे सकती, अब क्या बेटी पैदा करके कर्ज में डूब जाऊँ? मुझे नहीं चाहिए ये बेटी। बेटी तो करना क्या है? करना क्या है, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तो क्या इसे गिराना है? डॉक्टर टुनटुनी की ओर देख रही थी लेकिन बंटी कबूतर बोलने लगा, इसकी जुबान कहाँ खुलेगी मेरे सामने, मैंने बोल दिया ना बस, मुझे बेटी नहीं चाहिए। ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 रोज बाद कर सकते हैं। ठीक है। टुनटुनी घर गई और वो बेहद परेशान थी, वो रोने लगी। जब बंटी कबूतर आया तो टुनटुनी उससे बोली, मुझे ये बेटी चाहिए। क्या कहा, तुझे बेटी चाहिए? मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए बेटी चाहिए? और फिर बंटी कबूतर ने फिर से टुनटुनी को पीटना शुरू कर दिया। टुनटुनी बेचारी रोती चिल्लाती रही, यही सिलसिला अगले 2 रोज तक चलता रहा। टुनटुनी का शौहर रोज उसे पीटता था। तीसरी रात टुनटुनी को नींद ही नहीं आ रही थी, वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे, सोचते सोचते ही वो सो गई। उसके ख्वाब में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी, और खेलते खेलते वो बच्ची एक देवी की शक्ल में तब्दील हो गई। टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी बेटी को जन्म देना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम उसे मरने नहीं दे सकती, उठो, उठ जाओ। और हर बड़ाहट में टुनटुनी की आंख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी, वो वहीं बैठी अपने ख्वाब के बारे में सोच रही थी। चल वक्त हो गया है, अस्पताल भी जाना है अबॉर्शन कराने। मुझे नहीं जाना है अस्पताल, और ना ही मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। क्या मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ, मैं भी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार जब बंटी कबूतर ने अपना हाथ उठाया तो टुनटुनी ने हाथ रोक लिया, और टुनटुनी ने बंटी कबूतर को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। जैसे कुछ अलग ही ताकत उसके जिस्म में आ चुकी थी। छोड़ छोड़, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे झाड़ू से पीटेगी? मेरी बेटी को मारेगा? मार के तो दिखा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। टुनटुनी ने बंटी कबूतर को जोर से झाड़ू दे मारी और वो सीधा घोंसले के बाहर जा गिरा। आसपास पक्षियों की भीड़ लग गई। टुनटुनी मारते मारते बंटी कबूतर को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ टुनटुनी ने बंटी कबूतर और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ये शख्स मेरा शौहर है, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज ये मेरी बच्ची को मारना चाहता है। 10,000 रुपए देकर ये और वो बुलबुल डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। टुनटुनी की FIR दर्ज हो गई और बंटी कबूतर और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब टुनटुनी घर लौटी तो जंगल के पक्षियों ने उसका स्वागत किया।
तुमने बहुत अच्छा किया टुनटुनी, उसे सजा दिलवा दी। ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, मेरी और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब ठीक कर देंगी, वो एक रास्ता बंद करती हैं तो दूसरा रास्ता खोल देती हैं। मेरे पापड़ का कारोबार है, मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए खातूनों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी है। उसके बाद टुनटुनी ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी पड़ोसन और जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद कर रहे थे। टुनटुनी खुश थी क्योंकि उसे अपने शैतान शोहर से निजात मिल चुकी थी। कुछ महीनों बाद टुनटुनी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और टुनटुनी को अपनी बेटी की पैदाइश से बहुत सारी खुशियाँ हासिल हो गयी थी।